वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो गाइज अभी मैं अपने ट्विटर हैंडल पे हूँ, जो मेरी ट्विटर की प्रोफाइल है इसी नाम से है और ये मेरी ट्विटर आईडी है। अब आज हम ट्विटर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पे आज बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, तमाम बेरोजगार युवा जो मेहनती छात्र हैं और तमाम ऐसे दल जो चाहते हैं कि उत्तराखंड में कोई भी स्कैम ना हो, हर एक मेहनती छात्र, हर एक गरीब व्यक्ति को उसका हक मिले, उसके लिए आपने देखा होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो BDO BPDO की भर्ती हुई है उसमें स्कैम के लिए जो है CBI जांच की मांग की जा रही। तो इसके लिए आज ट्विटर पे एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है सुबह 10 बजे से, हमने भी उसके ऊपर ट्वीट किया है और जितने भी कैंडिडेट्स मुझे टैग कर रहे हैं मैंने उन सभी ट्वीट्स को रीट्वीट किया है। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन सा ट्वीट किया है, उसके बाद आपको क्या करना है पूरी डिटेल हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन अभी तक आपने ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो मत करिए, वो आपकी इच्छा करें या ना करें, लेकिन जो मैंने ट्वीट किया है उसको ज़रूर आप रीट्वीट करें, क्योंकि ये हमारे जो मेहनती छात्र हैं उनके लिए एक आपका रीट्वीट CBI जांच मंगवा सकता है, बाकी फॉलो ना करना वो आपकी इच्छा है। सो गाइस देख सकते हैं ये ट्वीट मैंने यहाँ पर किया हुआ है करीब 18 मिनट पहले, ये मैंने ट्वीट किया है कि आज मौका भी है, दस्तूर भी है, इस सोई सरकार और भ्रष्टाचार से संलिप्त तंत्र, जैसे कि आपको पता है कि तमाम जो है ब्यूरोक्रेट्स, अभी हमने सुबह एक वीडियो बनाया था जहाँ पर जो है रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और शिक्षा विभाग का बड़ा अधिकारी अभी STF की रडार में है और कई सरकारी कर्मचारी इसमें फंसे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी ताकत दिखाने का है, यह है जागो मेरे युवा मित्रों जागो, अगर आज अगर हम सोते रह गए तो कल के दिन कोई हमारे हक के लिए लड़ाई करने आगे नहीं आएगा और ये हाकम सिंह जैसे लोग जो है हमारे हक को नहीं मार सकते। तो आप देख सकते हैं #CBI4UK SSS_scam, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस हैशटैग का, नहीं तो तमाम और भी हैशटैग इस समय चल रहे हैं, लेकिन मेरी ये सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि बस इसी हैशटैग का इस्तेमाल करें CBI_4UK SSS_scam, क्योंकि अगर एक हैशटैग रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो है एक ट्वीट जो एक साथ रिट्वीट होंगे। तो यहाँ पर बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पंवार ने भी जो है ये ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी अब मैं ले चलता हूँ कि इस हैशटैग से किस तरह से यहाँ पर तमाम कैंडिडेट लगातार जो है ट्वीट पे ट्वीट्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हैं प्रकाश सिंह मेहता, वीरेंद्र चौहान, सेफ फ्यूचर फॉर UK, स्टूडेंट फॉर UK, तो तमाम इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर आप BJP उत्तराखंड, नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी, तमाम लोगों को आप टैग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर हैशटैग जो है चलाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से सारे युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि अभी अगर आप आज का ज़माना डिजिटल का है, अगर आप मैदान में आकर, रोड पे आकर, सड़क पे आकर नहीं लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो एक बहुत ही ये अच्छा जो है डिजिटलाइजेशन है, ये वाला बहुत अच्छा सा है। आप देख सकते हैं कि हाकम सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट प्लेसमेंट सरकारी मान्यता प्राप्त, क्या आपका बच्चा नालायक है, ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से तमाम जो है आपको पूरा ट्विटर आज जो है हैशटैग जो है CBI स्कैम जो है CBI फॉर द स्कैम के लिए जो है दिखाई देगा। तो अगर आपने अभी तक ट्विटर पे अकाउंट नहीं बनाया है तो जल्दी से ट्विटर पे अकाउंट बनाइए, उसके बाद जो है आप ट्वीट करें, चाहे तो आप हमारे ट्वीट्स को रीट्वीट कर सकते हैं, और अगर आप ट्वीट कर रहे हैं तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है मुझे टैग ज़रूर करें, क्योंकि जितने लोग टैग करेंगे उतने रीट्वीट्स होंगे और उतनी तेज़ी से जो है हमारी बात और हम सब की बात जो है सरकार के पास जो है कान तक पहुंचेगी। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाकी मैंने अपने ट्विटर का जो हैंडल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर ज्वाइन करें।